हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजय चौहान और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अपने पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो रह गया था, तो उसको अपने इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जिसके अंदर परमाणु के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में हम लोग पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपको लिंक दी गई है, तो आप लिंक के ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी तो उनको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो जो प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनसे रिलेटेड एग्जाम टाइम में किस तरीके के आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो सबसे पहला रहता है क्वेश्चन खोज से, दूसरा रहता है आवेश से, और तीसरा रहता है कि इसका जो द्रव्यमान है या मास है वो कितना होता है। तो इस तरीके से तीन क्वेश्चन तो ये रहते हैं। तो जैसे देखते हैं अपने प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपका जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने आपकी जो है इसकी खोज की थी। उसके बाद में जो प्रोटॉन है उसके ऊपर आवेश कौन सा होता है, तो सबसे पहले तो कौन सा आवेश होता है, तो पॉजिटिव आवेश होता है, यानी कि धनावेश होता है। उसके बाद में कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम भी बोल देता है। दूसरा 1.602 × 10⁻¹⁹, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, फिक्स वैल्यू है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान कितना है, 1.6726 × 10⁻²⁷ kg। मास की जो आप, यानी कि मास किसको बोलते हैं, द्रव्यमान किसको बोलते हैं, तो उसके वेट को बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ली गई है। उसके बाद में न्यूट्रॉन की बात आती है, तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की है, तो जेम्स चैडविक ने की है। इसके जो ऊपर आवेश किस तरीके का रहता है, तो इसके ऊपर कोई भी तरीके का आवेश नहीं रहता है, यानी कि ये आवेश रहित होता है। उसके बाद में बात करते हैं इसका द्रव्यमान कितना है, तो आपका जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन के जितना ही इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब उसके बाद में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो जे थॉमसन ने की है। उसके बाद में पूछ लेता है कि आवेश कितना होता है, आवेश किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का होता है, तो माइनस आवेश होता है, या फिर अपने बोल सकते हैं ऋणावेश होता है। अब बात आती है कि कितना होता है, तो जितना आपके प्रोटॉन पे होता है उतना ही होता है, लेकिन क्या होता है कि माइनस में होता है, यानी कि आपको वैल्यू एक ही याद रखनी है, लेकिन प्लस और माइनस जो है वो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन से पे प्रोटॉन पे माइनस प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस होता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में द्रव्यमान कितना होता है उसका, तो 9.109 × 10³³ kg जो है इसका द्रव्यमान होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये तो बात हो गई आपकी जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की, तो थोड़ा बहुत और कुछ चीज़ भी रही होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो आपका नाभिक है, इस नाभिक के अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें रही थी। हमने जो आपका इस तरीके से परमाणु संरचना बनाई थी, उस परमाणु संरचना के अंदर हमने बोला था कि एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की कक्षाओं में होता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब देखते हैं कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ पर बैठे किस तरीके से है, तो किस कारण से बैठे हैं, तो इनके ऊपर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक बल। यानी कि ये जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके बारे में एग्जाम टाइम में पूछ लेता है कि ये किस बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो किस बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो आपके जो है ये दोनों अंतरा आणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं। उसके बाद में बात आती है कि जो आपका न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसकी बात होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आपकी किस तरीके से यहाँ पर गति करता है, तो दो तरीके की गति करता है ये। तो पहली गति है कक्षीय गति, दूसरी गति है चक्रण गति। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके की गति करता है, तो दो तरीके की गति करता है, कौन कौन सी, तो कक्षीय गति और चक्रण गति। किस तरीके से होती है, तो एक तो आपने अगर देखा है, तो जैसे अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरा, आपने सौरमंडल देखा हुआ है, तो आप बोलते हैं ना कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी सूर्य के क्या होती है कि जो चक्कर लगाती है, और चक्कर किस तरीके से लगाती है, तो दो तरीके से लगाती है। एक तो वो क्या होती है, अपने एक्स पर घूमती है, ठीक है, तो अपने एक्स पर घूमती है, इसको तो इसने क्या बोल दिया, चक्रण गति बोल दिया। और अगर वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो इसको इसने क्या बोल दिया, चक्कर बोल दिया, यानी कि चक्रण गति बोल दिया। यानी कि दो तरीके की गति होगी, दो तरीके की गति कौन कौन सी, तो पहली गति की कक्षीय गति, यानी कि एक जगह के ऊपर अपने
चक्रण गति यानी कि एक जगह के ऊपर घूम रही है, और उसके बाद में जो है कक्षीय गति। कक्षीय गति का मतलब क्या है कि वो आपकी जो है कक्षा के अंदर जो है यहाँ वाली जो बाहर वाली कक्षाएं हैं इन कक्षाओं के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं। ये चीज़ें होगी। इसके बाद में मैंने कल बोला था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसकी एक डेफिनेशन दी गई है, दो रूल डिसाइड किए गए हैं कि आपकी जो अंतिम कक्षा है उस अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 8, उसके पहली कक्षा में कितने होने चाहिए तो 18। यानी कि अंतिम से पहली, यानी कि ये अगर अंतिम कक्षा है तो इस अंतिम कक्षा में हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और अगर ये इससे पहली कक्षा है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इनको जो हम इस रूल को भी हम लोग लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके से आपकी जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो है नई कक्षा जो है निर्माण हो जाता है। तो अगर किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर सकता है। इसके अंदर जो है आपकी थोड़ी सी उपकक्षाएं बनती है, और जिसके बारे में एग्जाम टाइम में जो क्वेश्चन है वो नहीं रहते हैं। तो अपने अभी करते हैं इनको, किस तरीके से आपके जो कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है उस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को अपने यहाँ पे अभी देख लेते हैं भाई। हाँ, तो इनकी उपकक्षाओं के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी रहती है वो अपने देख लेते हैं भाई। उपकक्षा के अंदर इसने क्या किया है, इन उपकक्षाओं को इसने 4 भागों के अंदर बांटा है। कौन कौन सी है तो S, P, D और F। तो S की वैल्यू जहाँ भी देखने को मिलेगी, P की जहाँ पे भी देखने को मिले, D का जहाँ पे भी देखने के मिले, F जहाँ पे भी देखने को मिले, तो कितना कितना लगाना है। तो S देखने पे मिले 2, P पे 6, 10 की जगह D की जगह 10 और F की जगह 14 लगा देना है। इतना काम जो है अपने उन इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए अभी अपने करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं किस तरीके से भरनी है कक्षाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से आपको लिखना है। एक सभी के साथ S लगा दीजिए। उसके बाद में एक छोड़ दीजिए, दूसरे के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे से भी एक छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको क्या लगाना है तो P लगा देना है सभी के साथ। उसके बाद में ऊपर से 2 छोड़ देने हैं, तीसरे के साथ शुरू करना है 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे भी नीचे की साइड में भी 2 छोड़ देने हैं। तो 3 के साथ आपको क्या लगा देना है तो अभी आपको लगाना है D। उसके बाद में अभी अगर आपने 3 हो गए, उसके बाद में चौथे के लिए आपको क्या करना है, ऊपर से 3 छोड़ देने हैं और चौथे के आगे लगा देना है 4 और 5, नीचे से भी 3 छोड़ देने हैं। तो अभी सभी के साथ क्या लगा देना है, F लगा देना दोनों के साथ। तो यहाँ तक आपको जो है ये वाला काम आपको करना है। अब आप देख रहे होंगे कि आपने सोच रहे होंगे कि ये क्या बना दिया सर ने। तो अभी अपने क्या करना है कि इनको तिरछा काटना है। तिरछा किस तरीके से काटना है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको काटना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी को काट लेना है। अब आपको क्या करना है कि परमाणु संरचना बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पे परमाणु की संरचना बना ली। और हमने क्या बोला था कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8, और अंतिम से पहली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों चीज़ों को आप देखते जाइएगा कि अभी अपने देखते हैं कि कौन कौन से तीन, कोई भी तीन पदार्थ ले लेते हैं। जैसे चांदी ले लिया, उसके अलावा इंडियम ले लिया, उसके साथ साथ में आपका जो है जैसे हमने टंगस्टन ले लिया,
जो आपका चांदी है वो कितने नंबर पे आता है, तो चांदी आपका 47 नंबर पे आता है, ये 49 नंबर पे आता है। उसके बाद में टंगस्टन की बात करेंगे तो टंगस्टन जो आपका 74 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है आपने क्या किया, ये तीन पदार्थ ले लिया, इन तीन पदार्थों को हम लोग क्या करेंगे, इस परमाणु के अंदर भर के देखेंगे कि किस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपने भर के देखते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहली जो कक्षा थी यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपना एक नियम भी था 2n² का, जिसके अंदर हमने क्या बोला था कि पहली कक्षा के अंदर जब भी बात आएगी कि 2 × पहली कक्षा का स्क्वेयर, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षा के अंदर 8, तीसरी कक्षा के अंदर 18, चौथी कक्षा के अंदर 32, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हम लोग, हमने वो क्या बोला था कि हम भर सकते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम भर सकते थे तो हम लोग इसमें किस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो मैंने बोल दिया कि इतने इलेक्ट्रॉन अधिकतम लास्ट कक्षा है, चौथी कक्षा में हम लोग कितने भर सकते हैं, 32 भर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात बोल दी कि अंतिम कक्षा में आप 8 और इससे पहली कक्षा में 18 से इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। किस तरीके से देखते हैं, अभी जैसे मैं चांदी को लेता हूँ, चांदी ले लिया मैंने और चांदी कितने नंबर पे है, 47 नंबर पे है। तो चांदी को लेने के बाद में मैं पहली कक्षा के अंदर यहाँ से शुरू करता हूँ, पहले से यहाँ से मैं शुरू करूँगा तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरूँगा, ये कक्षा नंबर है, यानी कि पहली कक्षा में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी कक्षा में एस की वैल्यू कितनी थी, एस की वैल्यू कितनी थी, 2, तो यानी कि दूसरी कक्षा में मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो यहीं से फिर से शुरू करना है, इसी तरीके से चलना है अपने को। तो दूसरी कक्षा में भरने हैं कितने और पी, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू 6, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में अगर बात करता हूँ तो इसी को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं, तो तीसरी कक्षा जो है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो तीसरी कक्षा है और तीसरी कक्षा में एस भरने, एस का मतलब क्या था, हमने क्या बताया था, 2, यानी कि तीसरी कक्षा में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद में फिर से यहीं से आपको शुरू करना है, यानी कि तीसरी कक्षा के अंदर आपको कितने भरने हैं, पी, पी की वैल्यू कितनी थी, 6, यानी कि आपने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद में आप देखो ये तीसरी कक्षा है और इस तीसरी कक्षा में हम लोग अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। लेकिन अभी कितने भरे हैं, हमने केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब अपने क्या करेंगे, जब इसके अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे तो यानी कि तीसरी कक्षा के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, लेकिन अब इसने क्या बोल दिया कि चौथी कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी कि ये आपकी चौथी कक्षा आ गई और इसमें क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। यानी कि तीसरी कक्षा में आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए और आपको चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, लेकिन फिर भी हमारी जो चौथी कक्षा है उसका निर्माण हो गया 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही। तो मैंने बोला था कि आपकी जो पदार्थ के अंदर चालक, कुचालक और अर्धचालक हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। उसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करके देखते हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 और 8 10 10 और 10 20 हो गए। 20 के बाद में अपने पास जो है लगभग 27 इलेक्ट्रॉन और बाकी अभी तक। तो अपने कहाँ तक भर चुके हैं, तो चौथी कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब अपने फिर से पीछे से शुरू करते हैं, यानी कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने, तो तीसरी कक्षा में डी भरने हैं, यानी कि ये आपकी तीसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में डी भरने हैं। डी की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, यानी कि तीसरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसके अंदर आपके तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपकी चौथी कक्षा जो है वो निर्माण हो चुकी है, जिसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी पड़े हैं, और अब अपने आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको भरते हैं। अभी देखिए तीसरी कक्षा के अंदर डी भर दिया, अब क्या बोल रहा है कि चौथी कक्षा के अंदर पी भरी है, चौथी कक्षा के अंदर पी की वैल्यू कितनी थी, 6, पी की वैल्यू 6 थी। अब इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अंतिम कक्षा में भर कितने सकते थे, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, 32 भर सकते थे, लेकिन अभी 32 नहीं भरे जाएंगे। अभी आप देखिए इस सूत्र के थ्रू अपने अगर लगा के देखते हैं तो अपने आप 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही, जब इसके थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होते ही जो है नई कक्षा का वो क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। किस तरीके से, अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसने क्या किया, चौथी कक्षा के अंदर पी भरवाए हैं, चौथी कक्षा के अंदर पी भरवाए हैं। अब इसके बाद में ये क्या बोल रहा है, पाँचवीं कक्षा के अंदर एस भरिए, एस की वैल्यू कितनी थी, तो 2 थी, यानी कि पाँचवीं कक्षा के अंदर एस भरिए, 2 आ गए।
अब यानी कि अब देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 आगे, लेकिन इसमें हम लोग 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। इस तरीके से आप लोग जो है सीरियल वाइज जितने भी इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, लेकिन कभी भी आपकी जो अंतिम कक्षा है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम से पहली कक्षा है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो है नहीं होंगे। ठीक है, अभी अपने देखते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अब तक हो चुके हैं। तो 10 और 18 28, 28 और 10 28 और 10 38 इलेक्ट्रॉन हमारे हो चुके हैं। 38 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसका मतलब क्या कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 9 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो 9 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 38 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो अब हम लोग भर के देखते हैं तो कहाँ तक पहुँच चुका है कि पांचवी कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पांचवी कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि चौथी कक्षा के अंदर डी भरने हैं, चौथी कक्षा के अंदर डी भरने, यानी कि चौथी कक्षा कौन सी थी, चौथी कक्षा के अंदर डी भरने यानी कि क्या मतलब था, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये आपकी चौथी कक्षा है, इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 भरने हैं, लेकिन आपके पास कितने बाकी है, 9 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 9 भर दोगे, ठीक है, और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब ये जो है अपने 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या करेगा कि जो आगे वाली जो कक्षा है उससे एक इलेक्ट्रॉन वापस मंगा लेगा, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये अपने जो 10 इलेक्ट्रॉन है उनको कंप्लीट कर लेगा। तो अब आप देखिए कि इसकी अंतिम कक्षा में चांदी की अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो चांदी की अंतिम कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि चांदी जो है आपका सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो अब देखिए कि ऐसे तो है नहीं कि हम लोग इसमें कितने भर सकते थे, 32 भर सकते थे, तो हम लोग इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी तो यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं भरा जाता। ठीक है, तो इसके कंटिन्यू सीरियल वाइज जो है आपका भरा जाता है। तो अगर आप में से कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है, और जो अगर आप इस जगह के ऊपर चांदी की जगह के ऊपर इंडियम, टंगस्टन या फिर कोई भी और धातु है उस और धातु को लेके और इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन को भर के आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में बात आती है, दो चीज़ें और रह गई थी, उन दो चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो ये जो बाहर की कक्षा के अंदर जो लास्ट कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो क्या होता है कि ये जैसे कोई पदार्थ का परमाणु है और इसी जगह के ऊपर कोई मैं और पदार्थ का परमाणु ले आया जैसे, ठीक है, और जिसकी अंतिम कक्षा के अंदर अगर वो मानते हैं कि जैसे 8-7 इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को, इस 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बाहर की बाहर वाली कक्षा के अंदर है तो इसके ऊपर बल कम काम कर रहा है, तो इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरी कक्षा के अंदर दूसरे अगर परमाणु के साथ संयोजन बंध बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे जो आपका जो अंतिम कक्षा के अंदर, जो अंतिम कक्षा के अंदर आपका जो घूमता रहता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में बात आती है परमाणु बाहर की। परमाणु बाहर क्या कौन सी चीज़ है, परमाणु बाहर एग्जाम टाइम में वो तीन चीज़ें देके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो परमाणु बाहर के अंदर क्या होता है कि जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक बोल देते हैं, परमाणु बाहर बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल देते हैं, वो सेम ही चीज़ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का जोड़ होता है परमाणु भार। मैंने क्या बोला था कि ये जो नाभिक है परमाणु भार, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर भार बढ़ाने के काम करता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ होता है उसी को बोलते हैं, और ये परमाणु भार है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोल सकते हैं, इसको परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो चीज़ है अगर उसने बोल दिया, तीनों में से एक चीज़ बोल देता है, वो दो चीज़ देख के एक चीज़ पूछ लेता है, जैसे उसने बोल दिया कि कोई पदार्थ है उसका परमाणु भार जो है, कोई पदार्थ का परमाणु भार जो है वो 29 है, ठीक है, परमाणु भार जो है वो 64 है, 64 है, और परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है आपका 29 है, तो वो पूछ लेता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या से मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का गुणा ही तो है, ये जोड़ है, जोड़ है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर 29 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो 29 ही प्रोटॉन होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस 64 में से क्या करेंगे, अगर 29 घटा देंगे तो हमारा जो न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 35। हाँ जी, परमाणु संरचना के बाद में हम बात करेंगे, आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उसके अंदर आपने विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज,
उनसे रिलेटेड कि विद्युत धारा जो है किस तरीके से बनी है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, उनके बारे में जो है आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन को अगर आपने नहीं दबाया तो उसको दबा लीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ रहेगी उन आने वाली वीडियोज़ के सब नोटिफिकेशन आपको जो है जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद।